वेलकम टू बीएससी बिहार स्टेट एग्जाम में आपका स्वागत है। यह वीडियो मैथ का प्रैक्टिस सेट 12 है। इसके पहले ऑलरेडी 1 to 11 प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन किया जा चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो अवश्य देख ले। यह वीडियो प्लेटफॉर्म द्वारा जो 24 सेट का बुक निकाले गया प्रैक्टिस सेट, उसी में से हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। वीडियो शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल बटन को दबा दे, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न है, किसी आयत की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 4:3 है। आयत का क्षेत्रफल 192 वर्ग सेंटीमीटर, आयत का परिमाप क्या होगा? देखिए आयत से रिलेटेड इम्पोर्टेंट, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई एल इंटू पी। आयत का परिमाप क्या होता है, परिमाप क्या होता है, 2 × L + b। ये सब आपको याद होना चाहिए। क्या आयत का परिमाप क्या होता है, 2 × L + b। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, आयत का लंबाई और चौड़ाई का क्या दिया गया है, लंबाई दिया गया है L, दिया गया आपको 4x और चौड़ाई b दिया गया है आपको कितना 3x। ठीक, अब क्या कर रहा है, इसका क्षेत्रफल 192 वर्ग सेंटीमीटर है, यानी क्षेत्रफल क्या होता है, एल इंटू बी। एल इंटू बी बराबर कितना दिया, 192 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। एल एल की जगह लिखेंगे 4x, अब बी की जगह लिखेंगे 3x बराबर 192। ठीक, जब इसको काटेंगे 4 से काट देते, 4 × 16 बचा कितना, 3, 8 × 32 यानी 8, 48 मरते 3 से काट देते, 3 × 1 = 3, 3 × 18 यानी 16 मरते, यानी x स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, 16, यानी x बराबर कितना आ गया, 4। अब क्या कर रहा है, आयत का परिमाप क्या होगा, आयत का परिमाप क्या होता है, परिमाप, परिमाप का फॉर्मूला हम लोग ने क्या जान रहे हैं, 2 × L + b। क्या 2 × L + b, यानी L की जगह हम लोग को क्या पुट करना है, 2। L की जगह हम लोग कितना पुट करेंगे, 4x, यानी 4 × x की जगह पे कितना, 4, यानी 4 × 16। L की जगह हमको कितना पुट करना पड़ेगा, 16 प्लस बी, बी की जगह पे कितना, 3x, 3 × 4 यानी 12, यानी बी की जगह हमको कितना पुट करना पड़ेगा, 12। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 × 6 = 8, 1 × 2 = 28, 2 × 2 = 28 यानी 8 × 2 = 16 के 6 हासिल, 1 × 2 = 4, 56 सेंटीमीटर यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, वह लघुत्तम संख्या क्या है जिसके द्वारा 8640 को भाग देने पे प्राप्त भागफल पूर्ण घन बन जाए, यानी 8 वह लघुत्तम संख्या ज्ञात करना है, न्यूनतम संख्या यानी जो 8640 को भाग देने। सबसे पहले क्या कीजिए, 8640 का क्या कीजिए, एलसीएम ले लीजिए। क्या एलसीएम, जब एलसीएम लेंगे 2 से लगाएंगे, 4 × 8, 3 × 6, 2 × 4 यानी 0, फिर 2 से लगेगा, 2 × 4 1, 6 × 12 0, फिर 2 से लगा देते, 2 × 2 0, 8 × 16 0, अब कितना से लगाएंगे, फिर 2 से लग जाएगा, 2 × 5 = 10, 4 × 8 0, फिर 2 से लगेगा, 2 × 4 7 × 14 0, फिर 2 से लग सकता है, 2 × 2 ये हो जाएगा आपको 6 × 3, 2 × 5 = 10 135, अब फिर कितना से लग सकता है, 5 से लग सकता है, 5 × 10 5 × 7 = 35। ठीक, अब कितना से लगेगा, 3 से लगेगा, 3 × 9 = 27 यानी 3 × 9 = 27 यानी 3। अब देखिए क्या कहना, वह इसको क्या बनाना है, पूर्ण घन बनाना है। घन बनाने के लिए कितना का पेयर चाहिए, घन जब बनाना होगा तो 3 का पेयर, कितना, 3 का पेयर चाहिए। ठीक, अब देखिए 3 का पेयर कैसे होगा, 1 2 1 2 1 2, एक पेयर यहाँ पे बन गया, एक पेयर यहाँ पे बन गया, अब देखिए ये 2 से एक पेयर यहाँ पे बन गया, 1 2 3 का, अब देखिए ये 3 से एक पेयर यहाँ भी बन गया, 1 2 3 पेयर का, यानी एक्स्ट्रा क्या बच रहा है, एक्स्ट्रा हमको बच रहा है कितना, 5, यानी 5 एक्स्ट्रा बच रहा है, एक्स्ट्रा हमको कितना बच रहा है, 5। तो 5 से हमको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, कितना, 5। क्लियर है। नेक्स्ट, दी गई संख्या का मान ज्ञात करने, मान जब भी ज्ञात करना पड़ेगा, यह देखिए क्या, 1 के पावर √3, 1 के पावर, दी गई संख्या के पावर कितना, 1/3, 1/3 का मतलब क्या, 3 3√ कितना, 216 -216 * कितना दिया, 1728, 1728। अब देखिए -216 को क्या लिख सकते, -6 × -6 × -6 का क्यूब है, देखिए 1728 कितना होता है, 12 का क्यूब, 12 × 12 × 12 लिख सकते,
जब इसको क्यू रूट से निकालेंगे तो ये निकल के कितना आ जाएगा, -6 निकल जाएगा। इसमें से कितना निकलेगा, 12 निकलेगा। 12 यानी 6 गुने 12, 6 गुने 12 कितना होगा, -6 यानी 6 गुना 12 हो जाएगा 12 6 72, यानी 72। क्या चीज, -72। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्या करा है, इसको भी सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले क्या कीजिए, सिंप्लीफाई करने के लिए इसमें जो दिया गया है 2 के पावर के फॉर्म में चेंज करिए। 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 को कितना लिख सकते हैं, 2 के पावर कितना, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, यानी 2 के पावर 4 कितना होता है, 16। अब यहाँ कितना 4 दिया, 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 लिख सकते हैं 4। अब देखिए इस 16 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 4 मल्टीप्लाई 2 के पावर n+1 माइनस 2, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर 2 के पावर 2 मल्टीप्लाई 2 के पावर n, ठीक, डिवाइड बाय कितना, 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 4 मल्टीप्लाई 2 के पावर n+2, ठीक है, माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 के पावर n+2। अब देखिए क्या सॉल्व करना है, देखिए बेस सेम होता है तो पावर जुटता है, क्या याद रखते हैं, बेस सेम होने पे पावर जुटेगा। जैसे a के पावर n मल्टीप्लाई a के पावर b, तो a के पावर n मल्टीप्लाई a के पावर k, तो इसको लिख सकते हैं a के पावर n प्लस k, क्या लिखेंगे, a के पावर n प्लस k, यानी बेस सेम होने पे पावर जुटता है। क्या होता है, बेस सेम होने पे पावर जुटता है, इसकी जगह पे हम लोग देखिए क्या लिखेंगे, 2 के पावर 2, बेस सेम है दोनों का, पावर जुटेगा, यानी n 1 है प्लस में और यहाँ 4 है, तो 4 आई 5, 2 के पावर 5 माइनस 2 के पावर n, n यहाँ कितना है, प्लस 2 कर देंगे, यानी n+2, ठीक है, डिवाइड बाय, यह देखिए इसमें देखिए 2 के पावर n+2 है, इसमें 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, n+6 माइनस 2 के पावर n+3, क्लियर, 2 के पावर n+3 लिख सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए अब क्या कीजिए, ऊपर से आप लोग क्या कीजिए, देखिए n+2 यहाँ भी है, n+5 यहाँ है, क्या कीजिए, n+2 ऊपर से कॉमन ले लीजिए, कितना, 2 के पावर n+2 कॉमन ले लिए, बेस सेम होता पावर जुटता है, यानी 2 के पावर यहाँ कितना बचेगा, बेस सेम यानी 3 2 5, यानी 2 के पावर 3 होगा, तभी तो ये 5 हो जाएगा ना, यानी 2 के पावर 3 -1 ऊपर बचेगा। नीचे भी हम लोग क्या किए, 2 के पावर n+2 कॉमन ले लिए, नीचे क्या बचेगा, इसमें से 6 में से 2 कॉमन ले लिए तो कितना बचेगा, 4 माइनस 3 में से 2 कॉमन ले लिए तो कितना बचेगा, 2 1 की पावर 2 के पावर 1। अब देखिए इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये 2 के पावर n+2 और नीचे भी कितना है, 2 के पावर n+2, ये दोनों कट जाएगा आपस से, ऊपर कितना बचेगा, 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 कितना होता है, 8 माइनस 1, और 2 के पावर 4 कितना होता है, 16 माइनस 2, ऊपर कितना हो जाएगा, 7, नीचे कितना, 16 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 14, यानी 7 से जब 14 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 1/2 इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट दी गई संख्या का सिंप्लीफाई करना, अभी हमने क्या पाया, बेस सेम होता है तो पावर बड़ा, बेस सेम होता है तो पावर जुटता, अगर बेस सेम हो दोनों इक्वेशन अलग अलग हो तो पावर बराबर हो, जैसे ए के पावर के बराबर ए के पावर जी हो तो बेस सेम है, बेस सेम है बराबर में, तो के बराबर क्या होगा, जी होगा, के बराबर जी होगा, ठीक। अब देखिए यहाँ कितना दिया गया, 25 के पावर x-3 बराबर 125 के पावर कितना दिया गया, 2x-3, बेस यहाँ 25 से यहाँ 125 है, 25 को हम 5 के फॉर्म में लिख सकते हैं और 125 को भी हम लोग 5 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखिए कैसे लिखेंगे, 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो 5 का स्क्वायर स्क्वायर करेंगे तो इसमें मल्टीप्लाई होगा 2 से, यानी 2x-6 स्क्वायर कर दिए, 5 का स्क्वायर 25, इसको हमने 5 को क्या लिखे, 5 का स्क्वायर 25 लिखे कितना। अब देखिए 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 का क्यूब लिख सकते हैं, 5 का क्यूब 125, यानी देखिए 5 3 से ऊपर मल्टीप्लाई हो, जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूना 6x-3 10, यानी बेस यहाँ पे क्या हो गया, सेम हो गया, बेस जब सेम होने पे पावर क्या होता है, बराबर हो जाएगा, बराबर ये 5 यहाँ भी 5 है, ये बराबर ये हो जाएगा, यानी हम लिख सकते हैं 2x-6 = 6x-9, जब इसको 9 प्लस में माइनस में तो इधर आ जाएगा प्लस में, यानी 9-6 बराबर क्या लिख सकते हैं, 6x-2x, यानी 2x इसमें से घटेगा तो कितना हो जाएगा, 4x, 9 में से 6 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3,
यानी x बराबर कितना आ जाएगा, 3/4, यानी क्योंकि 4 डिवाइड में आ जाएगा 3/4। हमको क्या पूछा था, x का मान ज्ञात कीजिए, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट जवाब होगा, कितना 3/4। क्लियर है। नेक्स्ट दी गई इक्वेशन का मान ज्ञात करना, ये भी क्या दिया गया है, इस फॉर्मेशन को सॉल्व कीजिए। सबसे पहले आपको दिखाई क्या क्या देना चाहिए, देखिए 9x2, 9x2 को हम क्या लिख सकते हैं, 3x2 माइनस, देखिए 2a माइनस b का होल स्क्वायर, a² - 2, a की जगह हम लिखेंगे 3x। अब कितना, 3 × 2 = 6, यहाँ पे कितना दिया, 24 दिया गया, यहाँ से 6 हो गया, तो 6 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा, तो 6 × 4 = 24, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 4y होगा यहाँ पे, प्लस 16y की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 4y², 4y² का वैल्यू कितना हो जाएगा 16, डिवाइड बाई कितना दिया गया है 3x - 4y। क्लियर। अब देखिए जब ऊपर सॉल्व कीजिएगा तो ऊपर कितना, a² - 2ab + b², a - b का होल स्क्वायर यानी 3x - 4y का होल स्क्वायर है ऊपर, ठीक है, और नीचे कितना 3x - 4y। अब देखिए दोनों जगह कितना 3x - 4y, ऊपर में 2 है नीचे 1 है, तो 1 ऊपर से कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, नीचे कितना बचे, ऊपर कितना बचेगा 3x - 4y, कितना 3x - 4y, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट द्विघात समीकरण इतना दिया गया, द्विघात समीकरण कितना, x², 3x² + 2x + 5 को x-1 से विभाजित करने पे शेषफल क्या होगा। ऐसे जब भी प्रश्न होते x-1 से विभाजित करने पे शेषफल क्या होगा, तो देखिए जो दिया गया हो उसके बराबर हम लोग को क्या मानना होगा, 0 मान लेंगे, दी गई जिससे भाग देना है उसके बराबर 0 मान लेंगे, उससे हमको क्या प्राप्त होगा, x का वैल्यू 1 प्राप्त हो गया। अब दी गई इक्वेशन में x का वैल्यू 1 पुट कर देंगे, जैसे क्या दिया गया, x²-3x² + 2x + 5 दिया गया, ठीक। अब x की जगह 1 पुट करेंगे तो कितना, 1³-3×1² + 2×1 + 5। अब देखिए 1 की पावर कितना हो, 1 ही होगा, 1 - 3 + 2 + 5, ठीक। अब देखिए जब 2 और 1 3, 3 + 3 - तो ये कट जाएगा, ऐसे भी जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 5 + 6 = 8, 8 - 3 कितना हो जाएगा 5, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा कितना, 5। क्लियर है। नेक्स्ट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, अब दिया क्या गया है इसको समझिए। क्वेश्चन कह रहा है n वर्ष के बाद 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्राप्त राशि, राशि सब जब भी प्रयोग करें, तो इसको हमको क्या समझना पड़ेगा, अमाउंट समझना पड़ेगा, क्या अमाउंट, जब भी राशि प्रयोग हो कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज या किसी भी सेंटेंस में राशि शब्द का प्रयोग हो तो उसको हम लोग अमाउंट समझेंगे, एवं मूलधन का अनुपात ज्ञात है, मूलधन यानी प्रिंसिपल यानी पी का अनुपात ज्ञात करना, यानी हमको क्या पूछ रहा है, a/p ज्ञात करना है, कितना a/p। और चक्रवृद्धि ब्याज से अमाउंट का क्या फॉर्मूला होता है, अमाउंट a बराबर क्या होता है, p × 1 + r/100 कितना होता है t, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, ये चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है अमाउंट का, यहाँ क्या दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया 5%, यानी a बराबर p × 1 + r/100 कितना दिया 5%, ठीक, 5/100। टाइम कितना दिया गया, एन वर्ष, यानी टी की जगह यहाँ एन दिया गया, 5 से काट दिया, 5 × 2 = 10, 20 से 21, यानी e/p×21/20 कितना गया एन, यानी पी यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, a/p कितना आ जाएगा 21/20 कितना हो जाएगा एन, यानी आप इस बात को लिख सकते 21/n / 20/n, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट जवाब होगा कौन सा, ऑप्शन सी, यानी 21/n / 20/n। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक स्कूल एक विद्यार्थी अपने घर से 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने स्कूल जाता है, ठीक है, यह उसका घर है, यहाँ से वह स्कूल जाता है, ठीक, स्कूल जा रहा है, ठीक, उसका यहाँ से यहाँ तक की कुछ दूरी होगा, डी फुट डिस्टेंस होगा, मान लेते हैं डी डिस्टेंस दूरी जा रहा है, वह क्या कर रहा है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से घर से कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है, ठीक, और 2 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से लौट आता है, जब वापस जब आता है तो यह कितना किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आता है,
2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वापस आ जाता है, ठीक। यदि उसे अपने घर से स्कूल जाने तथा वापस आने में 5 घंटे का समय लगता है, यानी टोटल उसको टाइम लगता है, टोटल टाइम उसको लगता है 5 घंटा, 5 आवर। कब? जब घर से स्कूल गया, घर से स्कूल गया और स्कूल से वापस आने में उसको 5 घंटा का समय लगता है। सबसे पहले देखिए, एक स्थान से दूसरे स्थान गए, ए से बी, यहां से यहां ए से बी गए, ठीक, एक से स्पीड से, यानी एक से स्पीड से, और बी से ए आए वाई स्पीड से, वाई स्पीड से, कितना वाई स्पीड से, वाई किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ एक्स किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऐसी स्थिति में ए से बी एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड, स्पीड एवरेज स्पीड क्या होगा, 2xy/x+y, यानी इसी स्पीड एवरेज स्पीड पता चल गया, 2xy/x+y। अब देखिए, घर से हम कहाँ जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, स्कूल से घर आ रहे हैं, यानी सेम पोजीशन बनना है, तो यहाँ से एवरेज स्पीड निकालें, एवरेज स्पीड निकालेंगे, एवरेज स्पीड बढ़ा क्या 2x, x की जगह पे 3 और y की जगह पे यहाँ कितना है 2 डिवाइड बाय 2x+y, यानी 3 2 5, यानी ऊपर कितना हो जाएगा 3 2 6 6 2 12, 12/5 किलोमीटर प्रति घंटा के एवरेज स्पीड से जाएगा। अब देखिए, उसको टोटल डिस्टेंस कितना क्या किया, टोटल डिस्टेंस उसने कितना तय किया, देखिए यहां से यहां तक गया था, डी डिस्टेंस तय किया। जब वापस जब आ रहा है तो फिर डी डिस्टेंस तय कर रहा है, यानी टोटल उसने कितना डिस्टेंस तय किया, 2D डिस्टेंस तय किया। तो दूरी बराबर क्या होता है, 4 × समय, दूरी बराबर क्या होता है, चाल, चाल कितना 12/5 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जा रहा, और समय कितना लिया 5 घंटा, यानी 5 घंटा से घंटा कट गया, यानी 5 से 5 कट गया, यानी टोटल डिस्टेंस उसने कितना तय किया, 12 किलोमीटर का उसने टोटल डिस्टेंस तय किया, यानी 2D डिस्टेंस उसने 12 किलोमीटर तय किया। अब क्या पूछ रहा है, सिर्फ पूछ क्या रहा है कि घर से स्कूल की दूरी कितना है, घर से स्कूल यानी यहाँ से यहाँ तक सिर्फ एक ही डी डिस्टेंस है, यार डी बराबर कितना होगा 12/2, यानी 6 किलोमीटर इसका करेक्ट आंसर होगा, कितना 6 किलोमीटर, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा, क्लियर है, 6 किलोमीटर। नेक्स्ट, खुशी और जागृति की आयु का अनुपात 5:8 है, 8 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 होगा, उनकी आयु में अंतर क्या है, अंतर ज्ञात करना है। तो देखिए, खुशी और जागृति की आयु में अंतर कितना, 5 और 8 का अंतर कितना है 3, जो भी क्वेश्चन 3 का फैक्टर होगा वही आंसर होगा, 16 3 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, 8 3 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, 6 3 से कट रहा है, हाँ कट रहा है, 10 3 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, डायरेक्ट वे में ऑप्शन सी आप इसका करेक्ट आंसर मान सकते हैं, लेकिन बनाएंगे कैसे यह भी देख लीजिए। खुशी और जागृति के आयु का रेशियो कितना दिया, 5x और 8x दिया गया है, ठीक, टोटल। अब इसमें 8 वर्ष के बाद जब 8 वर्ष इसमें ऐड करें, यह कितना हो जाता है, यह 3/4 हो जाता है, ठीक। जब इसको सॉल्व कीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो कितना 5×20x+8×32 = 8×24x + 8×24, ठीक है। जब 24 को इधर क्या कीजिएगा, 32 को उधर ले जाइएगा, तो कितना हो जाएगा, नहीं 20 को इधर ले जाएगा तो कितना बचेगा 4x, और 24 को 32 में से 24 को घटाएंगे तो आपको कितना बच जाएगा 8x, 8 बच जाएगा, यानी x बराबर कितना, 4 से काट दे, 4 × 2 = 8, यानी x बराबर कितना आ गया 2 वर्ष, 2 आ गया। अब हमसे पूछ क्या रहा है कि उनकी आयु का अंतर क्या है, अंतर आयु पहले निकाले थे 5x और कितना माने थे 8x, 5x यानी 5 × 10 और 8 × 16, और दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 6 वर्ष 6 ईयर, यही नाम से पूछा है, दोनों के एज का अंतर कितना है 6 वर्ष, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको पढ़िए। मोहन 2008 के अगस्त महीने के किसी निर्दिष्ट दिन पर कोई आवश्यक कार्य हाथ में लेने का निर्णय लिया, ठीक है, महीना कितना था अगस्त, अगस्त अगस्त माह में कितना दिन होता है, 31 दिन होता है, 31 डे होता है, यह बात जानकारी है। अब क्या कर रहा है, 2008 का हो चाहे कोई साल का हो, अगस्त में 31 दिन ही होंगे, ठीक है। मोहन द्वारा कार्य हाथ में लेने के लिए चुने गए दिन शनिवार होने की क्या प्रतिशतता है, यानी शनिवार होने की क्या संभावना है, मान लीजिए शनिवार, अगस्त माह में कितना शनिवार हो सकता है, अगर 1 तारीख शनिवार है, पहला 1 तारीख शनिवार है, तो अगला शनिवार कितना होगा 8 तारीख, फिर इसके बाद वाला शनिवार कितना होगा,
इसके बाद वाला इसमें 7 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 15 तारीख, यानी 8 7 15 तारीख, अगला शनिवार आपको हो जाएगा 15 तारीख। फिर इसके बाद का शनिवार कितना होगा 5 और 7 इसमें और जोड़ देंगे तो 22 तारीख, फिर कितना होगा फिर 7 जोड़ेंगे तो 29 तारीख, अगर अब 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा 31 से ज्यादा हो जाएगा, यानी टोटल शनिवार की संख्या कितनी होगी इसी महीना में, हाईएस्ट शनिवार की संख्या अगर देखना हो तो कितना होगा 1 2 3 4 5, यानी 5 शनिवार होंगे, कितना 5 टोटल शनिवार की संख्या 5। ठीक, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मोहन द्वारा एक कार हाथ में लेने के लिए चुने गए दिन शनिवार होने की क्या संभावना है, यानी टोटल 5 गो है, 5 शनिवार, 5 में से एक चुनेंगे 5C1 यानी कंबाइन करेंगे, टोटल दिन कितना है 31 डे, उसमें से भी एक चुनना है, यानी कि शनिवार होने की क्या संभावना है, जिसमें जो पूछ रहा है शनिवार तो शनिवार को ऊपर लिखेंगे और उसमें से एक चुनेंगे और टोटल में से एक चुन के उसकी संभावना निकाल सकते हैं। ऐसे जब देखिए एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल एन डिवाइड बाय फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर, कितना होता है फैक्टोरियल एन डिवाइड बाय फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर। अब देखिए जब इसको सॉल्व कीजिएगा ये कितना दिया गया, इसको लिख सकते एनसीआर को क्या लिख सकते हैं फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल 5 डिवाइड बाय कितना फैक्टोरियल 1 इंटू 5 में से एक गया कितना हो गया फैक्टोरियल 4 सीधे घटा दिया डिवाइड बाय, देखिए 31 को क्या लिख सकते हैं फैक्टोरियल 31 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 1 मल्टीप्लाई कितना 30 में से एक गया 31 में से एक जाएगा तो कितना जाएगा 30, क्लियर, ये बीच वाला हो गया। अब आगे सॉल्व करेंगे तो ये देखिए ऊपर कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 5 हो जाएगा, ठीक, देखिए ये बीच वाला लाइन ये नीचे चला आ जाएगा, यानी एक एक फैक्टोरियल का कोई वैल्यू नहीं है, फैक्टोरियल 5 को हम सीधे लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 5 हम लोग लिख सकते हैं 5 गुने फैक्टोरियल 4, ठीक, और ये वाला 4 नीचे है तो इसको 4 फैक्टोरियल 4 को नीचे ही रहने दीजिए। फैक्टोरियल 1 का वैल्यू कितना होता है, फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 होता है, क्लियर, फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 होता है, यानी 1 में किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए फैक्टोरियल 31 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 31 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 30, अब देखिए ये 30 सबसे नीचे है तो कहाँ चला जाएगा सबसे ऊपर चला जाएगा इंटू फैक्टोरियल 30, अब देखिए फैक्टोरियल 30 से 30 कट गया, फैक्टोरियल 4 से 4 कट गया, यानी कितना बचेगा 5/31 5/31, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट जवाब होगा, कितना 5/31 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, इसको पढ़िए, किसी घड़ी को बेचने पर एक दुकानदार 15% छूट देता है, घड़ी को जब बेच रहा है तो क्या करेगा 15% का छूट देता है, ठीक है, 100 रुपये मान लेते हैं घड़ी का मूल्य, उसने क्या किया 15% छूट देके उसने क्या किया 85 में बेच दिया, ठीक, यदि वह 20% छूट देता, यहाँ 15% छूट दे रहा, अब उसको 15% न देके वह 20% का छूट देता तो कितना में बेचता 80 में बेचता, छोड़ देता तो उसको 51 रुपया कम लाभ होता, जितना पहले प्रॉफिट हो रहा उससे 51 रुपया कम, जबकि पहले 85, यानी अब कितना की कमी आ रहा है 5 यूनिट का कमी आ रहा है, इस 5 यूनिट का कमी उसको 51 रुपया का कमी के बराबर हो रहा है, घड़ी का वास्तविक कीमत कितना था 100 यूनिट, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 5 यूनिट का वैल्यू 51 है तो इसमें कितना 100 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 5 को 100 बनाने के लिए कितना करेंगे 20 से मल्टीप्लाई कर 20 25 100, यानी 100 यूनिट यहाँ हो जाएगा, इधर भी 51 को क्या करेंगे 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 2 5 2 10, यानी 1020 उसका करेक्ट आंसर होगा, कितना 1020 रुपया, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि किसी विद्यालय में परीक्षा गृह की लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई क्रमशः 10 मीटर 30 मीटर और 10 मीटर है, यदि हवा का घनत्व 1.3 किलो ग्राम प्रति घन मीटर है, परीक्षा गृह के भीतर वायु का द्रव्यमान कितना होगा, सबसे पहले क्या कीजिए परीक्षा गृह कैसा आयताकार है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता आयत है, आयत का परीक्षा गृह क्या है LBH, घनाव का घन के आकार का, क्या चीज कोई भी रूम किसके तरह का होगा घन के तरह का होता है रूम, यानी घन का आयतन क्या होता है घन का घनाव नहीं घनाव टाइप का है ना, घन थोड़ी होता है घन रहता था सेम होता है, घनाव का आयतन क्या होता है घनाव का आयतन आयतन हम लोग क्या जानते हैं घनाव का आयतन हम लोग जानते हैं L इंटू बी इंटू एच LBH, यानी लंबाई कितना दिया गया है 10 मीटर, चौड़ाई कितना दिया गया 30 मीटर और ऊंचाई कितना दिया है 10 मीटर, यानी जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 3000 मीटर क्यूब, 3000 मीटर क्यूब, यह क्या घनाव का आयतन हो गया,
अब क्या कर रहा है, हवा का घनत्व 1.3 किलोग्राम प्रति घन मीटर है, यानी जब इसमें हवा के आयतन 1.3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 36 39 39 मीटर किलोग्राम, इतना केजी क्या होगा, इसका द्रव्यमान हो जाएगा परीक्षागृह का वायु का द्रव्यमान कितना, उसके आयतन से जो दिए गए प्रति मीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ऑप्शन सी इसका करीब जवाब होगा। कौन सा ऑप्शन सी, नेक्स्ट। यदि किसी भिन्न के अंश में 300% बढ़ा दिया जाए, यदि कोई भिन्न कितना पी वाई क्यू के रूप में भिन्न होता है, ठीक है। अब क्या करा, अंश में अगर 300% बढ़ा दिया जाए, 300% बढ़ाने का मतलब अगर वह 100 है तो कितना हो जाएगा, 400, ठीक, मल्टीप्लाई। अगर उसके हर में 500% बढ़ा दिया जाए तो 500 यानी 600 हो जाएगा, ठीक, बराबर या कितना हो जाएगा, 5/12 हो जाता है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए, सबसे पहले क्या है, पी वटा क्यू बराबर कितना होगा, 5/12 मल्टीप्लाई, जब 600 ऊपर चला जाएगा नीचे आ जाएगा 400, जब इसको सॉल्व किया डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 4 से काट देते हैं 6 × 12 यानी कितना हो जाएगा, 5/8 इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। अगर आपसे एग्जाम में पूछे जाए यह क्वेश्चन तो आपको इसको क्या करना है, कुछ नहीं कीजिए, सीधे जो परिणाम प्राप्त होता है 5/12 परिणाम प्राप्त होता है उसको लिख दीजिए मल्टीप्लाई। जब यह कहे भिन्न के अंश में, तो इसको अंश न समझ के इसको हम लोग डायरेक्ट हर समझ लेंगे, क्या हर, और ये कितना परसेंट की वृद्धि, 300 यानी हर, हर में कितना, 300 का वृद्धि, ठीक, यानी 400 का वृद्धि। अब यह कह हर कह रहा है तो इसको हम डायरेक्ट अंश समझेंगे और यह 500 के जगह पे ऊपर लिखेंगे, इतना की वृद्धि 600 का, ठीक, डबल जीरो से डबल जीरो कर दिए, 6 × 12 यानी 5/8 इसका करेक्ट आंसर होगा, क्लियर। इस तरह से बनाएंगे कब एग्जाम में। नेक्स्ट, 12 व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, 12 व्यक्ति है, ठीक है, किसी काम को 10 दिन में कर देगा, कोई दिक्कत नहीं। उस काम को 8 व्यक्ति 8 दिन में करने के लिए कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगी, मान लीजिए नंबर ऑफ व्यक्ति n होगा तो वह काम कितना दिन में हो जाएगा, 8 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, यानी 4 × 8 4 × 12 3 यानी 2 से कट जाएगा, 2 × 5 10 वन नंबर ऑफ व्यक्ति कितना होगा, इन इन कितना हो गया, 5 × 15 नंबर ऑफ व्यक्ति कितना आ गया, 15 यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा, कितना, 15 व्यक्ति। नेक्स्ट, अब क्या कर रहा है, किसी वृत्त, वृत्त के 36 डिग्री एंगल या त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 3.85 सेंटीमीटर स्क्वायर है, त्रिज्या खंड की चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले एक वृत्त दिया गया, यह वृत्त है, ठीक है, इसमें यह सेंटर हो गया, ये क्या हो गया, त्रिज्या का खंड हो गया, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जब पूछा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूछ दिया, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा वाई 360 डिग्री, कितना, पाई आर स्क्वायर थीटा वाई 360 डिग्री, यह क्या होगा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अगर पूछा चाप की लंबाई, यहां से यहां तक यही तो चाप है ना, ये वाला, ठीक, अगर चाप की लंबाई पूछे तो चाप की लंबाई होता है पाई आर थीटा वाई 180 डिग्री, कितना होता है, चाप की लंबाई, इसको क्या लिखेंगे, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई पूछेगा तो क्या लिखेंगे, पाई आर थीटा वाई 360 डिग्री, पाई आर थीटा वाई 180 डिग्री, जबकि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, इसको क्या लिखे, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा वाई 360 डिग्री, क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन में क्या करा, एक वृत्त है, वृत्त का एंगल कितना 30 डिग्री का, थीटा दिया गया, कितना थीटा दिया गया 36 डिग्री, ठीक है, और एरिया दिया गया है, एरिया दिया गया किसका, एरिया ऑफ त्रिज्याखंड, त्रिज्याखंड, त्रिज्याखंड का एरिया कितना दिया गया है, यह दिया गया 3.85, क्लियर। अब इसको देखिए, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा वाई 360 डिग्री, कितना, पाई आर स्क्वायर थीटा वाई 360 डिग्री, यह कितना दिया गया 3.85। अब हम पुट करेंगे, पाई की जगह पे हमको कितना वैल्यू पुट करना है, 22/7, ठीक, मल्टीप्लाई आर, आर ऑफ रेडियस निकालेंगे, आर स्क्वायर इंटू थीटा कितना है 36 डिग्री, डिवाइड बाय कितना 360 से डिवाइड करेंगे, क्लियर। ये कितना दिया गया 385/100 लिख सकते हैं, नीचे में डबल जीरो से हटा दे, ये देखिए 36 से कट जाएगा 10 मिनट, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए 11 से काट देते, 11 × 22 11 × 33 11 × 25 55 यानी 35 कट जाएगा। अब देखिए आर स्क्वायर बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 35 × 7/2 × 10, ये 10 तो यहीं पे है। अब देखिए 35 को क्या लिख सकते हैं, 7 × 5
35 को क्या लिख सकते हैं, 7 गुने 5 गुने 7 बटा 2 गुने 10, 5 से काट दिया, 5 दुना 10, यानी r का वैल्यू निकालेंगे तो इस पर रूट चढ़ाएंगे, यानी रूट 7 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड बाई 2 इंटू 2, यानी 7 बटा 2, ये कितना r का वैल्यू आ गया। अब हमसे क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है चाप की लंबाई क्या होगी, तो चाप की लंबाई बराबर क्या है, पाई r थीटा बाई 360 डिग्री, तो पाई की जगह पे हम लोग कितना 22 बटा 7 इंटू आर को रेडियस यानी 7 बटा 2, ठीक है, थीटा की जगह कितना है 36 डिग्री, बटा कितना 180 डिग्री से डिवाइड कर देंगे। अब देखिए काट देते 18 दूना 36, दो से ये 2 कट जाएगा, ये 7 से 7 कट जाएगा, यानी ऊपर कितना बचेगा 22, नीचे बचा रहा है 10, यानी 2.2 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, इसको सिंप्लीफाई करना, कितना 1299 मल्टीप्लाई 1299, जब ऐसे क्वेश्चन दिया गया आपसे यह डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने के लिए ना कह रहा है, इसको समझिए, 1299 को मल्टीप्लाई करना है कितना से, 1299 से, आप लिख सकते 1299 को लिख सकते 1300 माइनस 1 मल्टीप्लाई 1300 माइनस 1, ठीक। अब देखिए a माइनस b है, a माइनस b तो दोनों सेम है, यानी 1300 माइनस 1 का होल स्क्वायर है, लिख सकते यह बात को। अब देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, यानी 1300 का जब स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर माइनस 2 ए की जगह कितना 1300 इंटू बी की जगह 1 प्लस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1, 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर आप जानते हो 169 होता है, कितना 169, यानी 13 का स्क्वायर 169, यानी 20 और 20 स्क्वायर करना है, यानी कितना जीरो हो जाएगा 40 माइनस। अब देखिए 13 में 2 से गुना होगा तो 13 दुना 26, 26 पे क्या होगा 0 प्लस 1, ठीक है। अब देखिए जब इसको ऐड करेंगे 169 00 00, इस लास्ट जीरो की जगह पे कितना 1 ऐड कर देते, ठीक है 1 ऐड कर दे, माइनस कितना 2600। अब देखिए जब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यह देखिए एक में से जीरो जाएगा तो 1, यहाँ जीरो में से जीरो, ये हो गया कितना 10, 10 में से 6 जाएगा तो कितना आ जाएगा 4, ये कितना हो गया 9, 9 में से 2 जाएगा तो आपको कितना हो जाएगा 7 के बाद 8, 1 9 7 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए बच कितना रहा, ये 9 की जगह ये कितना हो जाएगा 8 में बदल जाएगा, 6 है और 1 है, यानी 1687401, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट जवाब होगा, कितना 1687401। अगर आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं जल्दी से तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या आपसे इसी तरह से सॉल्व करवाना चाह रहा है एग्जाम में, और ये फास्ट मेथड भी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 3 घंटियां है जो क्रमशः 5, 6 और 8 मिनट के अंतराल पे बजती है, यानी पहले 5 मिनट पे एक घड़ी, दूसरा 6, तीसरा 8 मिनट के अंतराल पे बजती है, तीनों घंटियां को किसी समय एक ही साथ बजाया जाए तो वीक पुनः कितनी देर बाद एक साथ बजेगी। सबसे पहले क्या कीजिए, एक साथ बजने के लिए मतलब क्या है, इसका एलसीएम लेंगे, कितना एलसीएम लेंगे, 5, 6 और 8 का एलसीएम लेंगे तो कितना मतलब लेंगे, 2 से लगा देते हैं, 5 एकम 5, 2 चार 6, 2 चक 8, अब नहीं लगेगा, यानी 5 दुना 10, 10 चार 30, 30 चक 4 12, यानी 120, कितना आ गया 120, 120 मिनट, 120 मिनट मतलब कितना हो गया 2 घंटा, 120 मिनट यानी 2 घंटा 2 आवर, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट जवाब होगा। क्लियर, 2 घंटा क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फल विक्रेता 34 रुपये में 8 की दर से सेब खरीदता है, यानी 8 सेब उसने कितना में खरीदा, 34 रुपये में, यानी 8 सेब, 8 सेब को उसने कितना में खरीदा था, 34 रुपये में, कितना में, 34 रुपये में खरीदता है, यानी एक सेब उसने कितना में खरीदा था, एक सेब उसने खरीदा कितना में, 34 डिवाइड बाय 8, 34 डिवाइड बाय 8, जब इसको 8 से डिवाइड करेंगे यह आपको आ जाएगा कितना 4.25, कितना 4.25, ठीक। अब क्या कर रहा है, खरीदता है, उन्हें 57 रुपये में 12 की दर से बेच देता है, यानी इत खरीदता है, अब 12 सेब बेचता कितना है, 12 सेब को उसने क्या किया, बेचा, कितना में बेचा, 12 सेब को बेचता है 57 रुपया में, तो एक सेब को उसने कितना में बेचेगा, एक सेब को बेचेगा 57 बटा 12, यानी 57 बाई 12, अब 57 को जब 12 से डिवाइड कीजिएगा तो यह आएगा 4.75, कितना 4.75, यानी एक सेब को खरीदा कितना 4.25 में, अब बेचा कितना 4.75 में, यानी एक सेब में, एक सेब में उसको कितना का प्रॉफिट हो रहा है, एक सेब में उसको प्रॉफिट कितना का हो रहा है, प्रॉफिट आपको हो रहा है 0.50, यानी 50 पैसे का एक सेब में प्रॉफिट हो रहा है, ठीक। अब क्या कर रहा है,
तो 45 रुपया का लाभ कमाने हेतु उसे कितने सेब बेचने होंगे? एक सेब बेचेगा तो उसको 50 पैसे का प्रॉफिट होगा, यानी 45 सेब बेचेगा इसको 45 रुपया का प्रॉफिट होगा, यानी 50 में कितना से मल्टीप्लाई करेगी 45 हो जाए, इसमें 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो इधर भी हमको कितना करना पड़ेगा 90 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 90 सेब जब बेचेगा तो उसको कितना का प्रॉफिट होगा 45 रुपया का प्रॉफिट होगा, कितना का 45 रुपया का, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट जवाब होगा, कितना 90 सेब। ऐसे अगर नहीं निकाल सकते तो इसको देखिए कितना 45 सेब है, 45 रुपया का हमको प्रॉफिट चाहिए, तो 45 रुपया का प्रॉफिट चाहने के लिए हमको कितना सेब बेचना पड़ेगा, इसमें क्या करना है 0.5 से डिवाइड करना है 50 से। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट ऊपर कट जाएगा, 5 दूना 10 यानी 45 दूना 90 यानी 90 सेब बेचना होगा, इस तरह भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? यानी ये आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इसका करेक्ट जवाब आपको प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट, एक दुकानदार रेडियो की सूची मूल्य पर 20% का बट्टा देता है, जो रेडियो का अंकित मूल्य है उस पे उसने क्या कर दिया 20% का बट्टा दे दिया, यानी 100 रुपये मान लिया रेडियो का अंकित मूल्य है, उसने 20% छूट देके 80 रुपये में बेच रहा है, ठीक है। बट्टे के बाद प्राप्त होने वाले मूल्य का वह 12% बट्टा देता है, 80 रुपया जो प्राप्त हो रहा है अब उसने क्या किया इस पे भी उसने क्या किया 12% का और बट्टा दे दिया, यानी 80 रुपया में न बेचते इसका 12% का छूट, यानी 100 में से 12 जाएगा तो कितना आएगा 8, 88%, यानी 88% का इसका 88/100 में बेच रहा है। यदि इस रेडियो का विक्रय मूल्य इतना में बेचता है तो उसको कितना होता है 704 रुपया प्राप्त होता है, कितना 704 रुपया, यानी जब एक यूनिट का वैल्यू कितना होगा इतना यूनिट का वैल्यू 704 रुपया, तो एक यूनिट का वैल्यू 704 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 80 मल्टीप्लाई 88, ठीक है। जब 0 से 0 कट गया, अब 8 से 11 से काट देते हैं, कितना मिलते 11 6 66, 11 6 44, 64 11 88, ठीक है, 64 8 मरते, ये 8 से 8 कैंसिल हो गया, यानी एक यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 10, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है उसका सूची मूल्य कितना था, तो सूची मूल्य हमने कितना माना था 100 यूनिट, यानी एक यूनिट का वैल्यू 10 है तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 1000, 1000, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा, कौन सा ऑप्शन ए। क्लियर है? नेक्स्ट, ए ने 5000 रुपये बी को 2 वर्ष के लिए और 3000 रुपये सी को 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार दिए तथा उसे कुल 2200 रुपया का लाभ मिला, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या थी, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्ञात करना। ए ने क्या किया, बी को कितना दे दिया 5000 रुपया दे दिया, कितना 5000 रुपया, कितना 2 वर्ष के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता, 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया, ठीक है। प्लस बी ने क्या किया, ए ने क्या किया, सी को भी दिया 3000 रुपया सी को दिया, ठीक, कितना वर्ष के लिए 4 वर्ष के लिए, वही रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो उसको टोटल इंटरेस्ट कितना प्राप्त होता है 2200 रुपया उसको टोटल इंटरेस्ट प्राप्त होता है। क्लियर? 00 से 00 कैंसिल, 00 से 00 कैंसिल। अब देखिए ये कितना 5 दूना 10 यानी 108 प्लस ये कितना 4 से 12 128 बराबर कितना हो जाएगा 2200। क्लियर? 100 में 128 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 228 बराबर कितना हो गया 2200। क्लियर? अब 220 से ये कट जाएगा, कितना मतलब 10 मरते, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना प्राप्त हो गया 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट प्राप्त हो गया, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, यदि 3 है, 3 11 7 9 15 13 8 19 17 21 14 और 21 का एवरेज दिया गया 12, यानी टोटल संख्या कितना दिया गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 संख्या दिया गया और 12 संख्या का एवरेज कितना दिया गया 12, यानी टोटल 12 संख्या का सम कितना होगा, 12 संख्या का टोटल, टोटल 12 संख्या का सम कितना होगा 12 × 12 यानी 144 टोटल सम हो जाएगा, कितना 144। सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसको एवरेज निकालने का क्या तरीका है, सब कुछ जोड़ के दी गई संख्या से डिवाइड कर देने के बाद एवरेज प्राप्त हो जाता है, यानी आप कर सकते इसको टोटल को जोड़ के 12 से डिवाइड कर देते एवरेज प्राप्त हो जाएगा। अब हमने क्या किया, यही टोटल सम निकाल लिया, टोटल सम निकाल दिए, अब क्या किया टोटल संख्या को जोड़ दीजिए 3 + 11 + 7 + 9 + 15
13 प्लस 8 प्लस 19 प्लस 17 प्लस 21 प्लस 14 प्लस x बराबर कितना आ गया 144। ठीक, अब जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आपको आ जाएगा 137। कितना 137 प्लस x बराबर कितना आ जाएगा 144। अब x बराबर कितना आ जाएगा 144 में से आपको क्या करना है 137 को घटा लेना है। जब इसको घटाइएगा तो आपको कितना प्राप्त हो जाएगा 7 प्राप्त हो जाएगा, यानी x बराबर 7। वह संख्या कितनी है 7 है। कितना 7, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट जवाब होगा। लेकिन अगर आपको यही क्वेश्चन एग्जाम में अगर फास्ट मेथड से बनाना है तो इसको ऐसे बनाएंगे कैसे, यह देखिए। दी गई संख्या पहले उतार दीजिए, दी गई संख्या। अब देखिए हमको क्या पता है एवरेज कितना है 12 है, टोटल का एवरेज कितना है 12, पहला संख्या 3 है, तो यानी यह एवरेज से कितना कम है, एवरेज से कितना कम है, यह एवरेज से आपको कितना कम है 9 कम है। कितना 9, 13 में से 9 जोड़ेंगे तो 3 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, यानी यह एवरेज से कितना कम है माइनस 9 कम है। ठीक है, दूसरा संख्या कितना है 11 है, यह एवरेज से कितना कम है तो 2 कम है यानी माइनस 2। ठीक है, अब देखिए अगला संख्या कितना है 7, यह एवरेज से कितना कम है तो यह एवरेज से 5 कम है यानी माइनस 5। ठीक है, अब ये 9 कितना कम है तो 9 कम है आपको माइनस 3 यानी 3 कम है। अब देखिए 15 एवरेज से यह ज्यादा है, कितना ज्यादा है, यह एवरेज से ज्यादा है आपको 3 ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद देखिए 13 एवरेज से कितना ज्यादा है 1 ज्यादा है प्लस 1। अब देखिए 8 एवरेज से कितना कम है तो एवरेज से यह 4 कम है माइनस 4। ठीक है, अब देखिए 19 एवरेज से यह कितना ज्यादा, 19 जो है एवरेज से 7 ज्यादा है, कितना प्लस 7। ठीक, अब देखिए 21 कितना है एवरेज से, 21 कितना ज्यादा है, 21 आपको 9 ज्यादा है, कितना 9 ज्यादा है। ठीक है, अब देखिए 19 हो गया, 17 देख लिया है, 19 एवरेज से कितना ज्यादा है 17, 17 का देखना पड़ेगा, 17 एवरेज से कितना ज्यादा है 17 एवरेज से 5 ज्यादा है, हमने 17 नहीं देखे थे, 17 देख लिया। 21 कितना ज्यादा है तो 21 9 ज्यादा है। ठीक है, और देख लीजिए और 14, 14 एवरेज से कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है। ठीक है, अब देखिए और तो x का मान ज्ञात करना है, x का वह पहलू ज्ञात करना। अब देखिए सबसे पहले देखिए यह 9 प्लस में, यह 9 माइनस में, प्लस माइनस कैंसिल, यह 4 देखिए, यह 5 माइनस में, ये 5 प्लस में, ये कैंसिल। अब देखिए 4 यहाँ पे 3 माइनस में, यहाँ 3 प्लस में, ये कैंसिल। अब देखिए ये दो कैंसिल हो गया। अब देखिए यह माइनस 4 है यानी प्लस 7 है, और एक 8 यानी प्लस 8 माइनस 4 यानी कितना हो गया प्लस 4, यानी आपको रिजल्ट में कितना प्राप्त हो रहा है प्लस 4 रिजल्ट प्राप्त हो रहा है। कितना प्लस 4, यानी 4 ज्यादा है एवरेज, 4 प्राप्त होगा। कहीं हमने गलत किया, एक मिनट इसका आंसर, एक मिनट देखिए फिर से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए आसानी से, एक बार और ट्राई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए दी गई संख्या कितना दिया है, 3 दिया गया है, 3 11 9, उसके बाद दिया है 3 11 7 9 15 13 8 19 17 21 और 14, और अगली संख्या हमको x ज्ञात करना है। देखिए 3 जो है एवरेज से कितना कम है, तो एवरेज से यह कितना कम है तो 9 कम है। ठीक है, 11 एवरेज से कितना कम है, 1 कम है, 7 एवरेज से कितना, 7 दिया गया तो यह एवरेज से कितना कम है तो 5 कम है। ठीक है, 9 एवरेज से कितना कम है तो 3 कम है माइनस 3, 15 का बात करी जाए तो एवरेज से यह ज्यादा है तो कितना ज्यादा है तो 15 ज्यादा है 3 ज्यादा है, 13 एवरेज से 1 ज्यादा है, 8 जो है सो एवरेज से कितना कम है तो 4 कम है। ठीक है, 9 19 का बात किया जाए तो यह एवरेज से कितना ज्यादा है तो 7 ज्यादा है, 17 का बात किया जाए तो यह एवरेज से 5 ज्यादा है, 21 का बात कीजिएगा तो यह एवरेज से 9 ज्यादा है, कितना 9 ज्यादा है, और यहाँ 14 है तो यह एवरेज से 2 ज्यादा है। ठीक है, अब देखिए जो भी इसको जब ऐड करेंगे, ठीक है अभी जो कॉम्बिनेशन निकाले उसको जब ऐड करेंगे तो देखिए यहाँ माइनस 9 है, यहाँ प्लस 9 है, तो ये दोनों कट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए प्लस 5 है, यहाँ माइनस 5 है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक, यहाँ देखिए प्लस 3 है, यहाँ माइनस 3 है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस 1 है, यहाँ माइनस 1 है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यानी अब बच कितना रहा है, माइनस 4 प्लस 7 और प्लस 2, यानी कि कितना हो गया माइनस 4 प्लस 7 और प्लस 2 बच रहा है, यानी 7 के बाद 8 एक 9,
9 में से कितना 4 को घटाना है, तो 9 में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा +5, यानी दी गई संख्या क्या होगा एवरेज से कितना ज्यादा होगा, 5 ज्यादा आ रहा है हमको, 5 ज्यादा आ रहा है हमको, रिजल्ट में कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए। 0 आने के लिए क्या होगा, दी गई संख्या में से एवरेज में से 5 को अगर हम कम कर देंगे तो रिजल्ट कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, यानी 12 में से हमको क्या करना पड़ेगा 5 को घटाना पड़ेगा। 12 में से जब हम 5 को घटाएंगे तो दी गई संख्या कितना प्राप्त हो जाएगा 7 प्राप्त हो जाएगा, यानी करेक्ट यहाँ पे रिजल्ट हमको कितना प्राप्त हो गया 7। x की जगह पे अगर हम 7 पुट करेंगे तो हमको क्या एवरेज 0 के सम के बराबर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन सी, क्लियर है। नेक्स्ट, x का x परसेंट यानी x बटा 100 बराबर 36, तो x का वैल्यू क्या किया जाए, x स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं 36 मल्टीप्लाई 100, x बराबर कितना हो जाएगा रूट अंडर 36 मल्टीप्लाई 100, 36 जब रूट से बाहर निकलेगा तो 6 निकलेगा, और 100 बाहर निकलेगा तो कितना निकलेगा 10 निकलेगा, यानी करेक्ट x का वैल्यू कितना आ जाएगा 60, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, कितना 60। नेक्स्ट, किसी हौज को भरने के लिए सामान्यतः 8 घंटे का समय लगता है, कोई हौज है जिसको भरने में सामान्यतः हमको 8 घंटे का समय लग रहा है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, कहता है कि किंतु उसके तली में एक रिसाव के कारण, तली में क्या है एक छिद्र है, रिसाव के कारण इस भरने में 2 घंटे अधिक लगते हैं, यदि हौज पूरा भरा हो तो रिसाव द्वारा खाली होने में कितना समय लेगा। देखिए नॉर्मल अगर भरने वाला पाइप ही खुला हुआ रहता, ये पूल भरने वाला पाइप ही खुला हुआ रहता तो उस टंकी को 8 घंटे में भर देता जब रिसाव नहीं होता, लेकिन रिसाव है यानी भरने वाला पाइप खुला, रिसाव वाला पानी निकालने लगा, यानी जिस कारण इसको कितना समय लग गया 2 घंटा अधिक, 8 घंटा ले रहा था अब इसको कितना लग गया 10 घंटा का समय लग रहा, यानी जब 8 और 10 का एलसीएम लेंगे यानी 80 लीटर का क्या है हौज है, मान लिया 80 लीटर का क्या है वो हौज है, ठीक है। तो ये अकेला कितना 8×10 अकेला 1 मिनट में 1 घंटा में 10 लीटर भर देता है, ठीक है। ये अकेला एक अगर खुला हुआ रहता तो 10 लीटर भर देता, और ए माइनस बी जब खुलना तो ये कितना लीटर भर रहा है 8 लीटर भर रहा है, क्यों 8 लीटर भरने का कारण क्या है, ए अकेला 10 लीटर भरता जिस कारण से कुछ बी निकाल देता, वह बी कितना निकालता है जो 8 हो जाएगा, 10 में से कौन सी संख्या घटाएंगे तो 8 हो जाएगा, आप जान रहे कि 10 में से हमको कितना घटाना पड़ेगा 2 घटाएंगे तो वह संख्या 8 हो जाएगा, यानी बी क्या करता है प्रत्येक प्रत्येक घंटा 2 लीटर पानी रिसाव के कारण निकल जाता है, यानी टोटल 80 लीटर का टंकी भरा हुआ है, प्रत्येक घंटा 2 लीटर निकलता है तो रिसाव को खाली होने में कितना समय लगेगा, 2 से डिवाइड कर 2×80 यानी 40 घंटा का समय लगेगा, कितना 40 घंटा, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, ए और बी अगर एक साथ कोई काम करता है तो कितना दिन में 15 दिन में काम पूरा हो जाता है, ठीक। क्या कर रहा है, ए बी की तुलना में ए 50% अधिक कार्य कुशल है, ए जो है बी की कंपेरिजन में 50% अधिक, 50% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/2, यानी अगर बी की तुलना में ए जो है 50% अधिक कार्य कुशल है, अगर बी 2 यूनिट काम करता है, बी अगर 2 यूनिट काम करता है तो ए कितना 50% अधिक यानी 1 ज्यादा यानी 3 यूनिट काम करेगा, कहने का मतलब अकेला ए उस कार को कितना है? एक दिन में ए प्लस बी 15 दिन में काम कंप्लीट करता है, एक दिन में कितना काम करता है ए प्लस बी, एक दिन में कितना काम करेगा 3×5, एक दिन में ए प्लस बी मिलकर कितना काम करेगा 5 काम करेगा, 5 काम करेगा, ठीक। कितना दिन काम किया 15 दिन, तो टोटल वर्क कितना हो गया, टोटल वर्क कितना हो गया, एक दिन में ए प्लस बी 5 काम कर रहा है, ठीक, और टोटल 15 दिन तक काम किया था टोटल वर्क हो गया, यानी कहने का मतलब ए प्लस बी एक दिन में 5 पेन बनाया तो 15 दिन में कितना पेन बनाएगा, 5×15 यानी 15×5 75 यानी 75 पेन बनाएगा। अब क्या कह रहा है, अकेला ए उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा, ए अकेला एक दिन में 3 काम करता है तो 75 काम को पूरा करने में कितना समय लेगा, 75/3, 3 से जब 75 में डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3×2 6, 1×3×5 15 यानी 25 दिन का समय लेगा, 25 दिन, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट जवाब होगा, कौन सा, ऑप्शन डी, क्लियर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए अपने चैनल बीएससी बिहार स्टडी एग्जाम को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल बटन को दबा दे जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। थैंक यू वंस अगेन।